आज सुबह 8 बजे से मैं मनोज टिबड़ेवाल आकाश डायनामाइट न्यूज के देश भर में फैले 125 संवाददाताओं के साथ जो है आपको पूरे देश की 542 सीटों का हाल बता रहा हूं, साथ ही यूपी का बता रहा हूं। अब इस समय मैं आपको बताऊंगा कि यूपी में जो वीवीआईपी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, अखिलेश यादव और कन्नौज से डिंपल यादव, इन वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है, गोरखपुर की सीट का क्या हाल है, बस्ती मंडल की सीट का क्या हाल है, ये अब मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 80 सीटों का पूरा रुझान आ गया है। 80 सीटों में इस समय बीजेपी महागठबंधन में अकेले बीजेपी 57 सीटों पर लीड कर रही है। एक सीट पर, महज एक सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है। बसपा 12 सीटों पर लीड कर रही है, सपा 8 सीटों पर लीड कर रही है और अपना दल का दोनों गुट कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों एक एक सीटों पर लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको जल्दी से यह बता दूं कि 542 सीटों पर जहां मतदान हुआ है, एक सीट पर नहीं हुआ है, इसलिए 543 की जगह 542 का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। 538 में से अकेले बीजेपी अपने दम पर 290 पर लीड कर रही है। कांग्रेस 51 सीटों पर लीड कर रही है, बीजू जनता दल 12 पे लीड कर रही है, बसपा 12 पे कर रही है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 25 पे लीड कर रही है, डीएमके 22 पर लीड कर रही है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी 5 सीटों पर लीड कर रही है, सपा 8 पर लीड कर रही है, शिवसेना 19 पर लीड कर रही है और वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की नई नवेली पार्टी जो 2014 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 2019 में 24 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे वीवीआईपी सीटों का हाल। वीवीआईपी सीटों की स्थिति ये है कि अभी जो है सबसे पहली सीट हम आपको आजमगढ़ की बताने जा रहे हैं। आजमगढ़ में अब तक जो मतगणना हुई है उसमें 48,998 वोटों की गिनती हो चुकी है और अधिकृत आंकड़े के मुताबिक अखिलेश यादव अपने प्रतिद्वंदी भाजपा से बहुत आगे हैं और कुल पड़े मतों में से 62% वोट अखिलेश यादव को पड़े हैं। 30,267 वोट अब तक अखिलेश यादव पाए हैं और निरहुआ 16,499 वोट पाकर काफ़ी पीछे है, आधे से ज़्यादा अंतर जो है निरहुआ का है। बाकी किसी प्रत्याशी की यहाँ लड़ाई में कोई मतलब नहीं है। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन शुक्ला जो भोजपुरी के गायक हैं, इनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है और ये लगभग चुनाव जीतने की पोजीशन में पहुंचते दिख रहे हैं। 163,432 वोटों से ये आगे चल रहे हैं, नहीं, इनको कुल जो वोट मिले हैं वो 163,432 वोट हैं, जबकि इनकी प्रतिद्वंदी रामभुवाल निषाद को 97,580 वोट मिले हैं। अब तक यहाँ 273,261 वोटों की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम और भी वीआईपी सीटों की बात करें तो उसमें से हम आपको बताते हैं कन्नौज का हाल। कन्नौज में अब तक जो है 43,616 वोटों की गिनती हो चुकी है। इसमें से सपा प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी, गठबंधन की प्रत्याशी डिंपल यादव को 22,600 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के सुब्रत पाठक को 19,959 वोट मिले हैं। यहाँ पर आधे से अधिक वोट, 52% वोट सपा बसपा गठबंधन को मिले हैं। इसके अलावा अमेठी का हाल आपको बताएं तो यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प होता दिख रहा है। अब तक यहाँ पर जो वोटों की गिनती है काफ़ी धीमी गति से चल रही है। महज 35,874 वोटों की गिनती हुई है और इसमें अभी तक 17,373 वोट पा करके स्मृति ईरानी थोड़ी बढ़त बनाई हुई हैं, जबकि 15,994 वोट पा करके राहुल गांधी नंबर दो पर हैं। अभी तक वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकाबला एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक लगभग 2,00,000 मतों की गिनती हुई है और इसमें से अकेले नरेंद्र मोदी को 1,23,123 वोट यानी कि लगभग 63% वोट मिले हैं। इसके अलावा शालिनी यादव सपा की 41,196 वोट पाई हैं। अजय राय कांग्रेस से काफ़ी पीछे हैं 23,633 वोटों के साथ। इसके अलावा अब हम बात करेंगे गोरखपुर और बस्ती मंडल की अब तक के आंकड़ों के की क्या स्थिति है। तो अब तक जो हम आपको बताएं कि महाराजगंज जो सीट है, इसमें जो चुनाव आयोग
थोड़ा धीमे ट्रेंड भेज रहा है। इसमें अभी तक जो 37,582 वोटों की गिनती हुई है, इसमें से जो है अभी तक पंकज चौधरी को 20,856 वोट मिले हैं। कुल पड़े मतों में से लगभग 56% वोट अकेले पंकज चौधरी ने अपने खाते में दर्ज किए हैं। इसका मतलब कि पंकज चौधरी अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे निकले हैं, काफी भारी पड़े हैं। गठबंधन के प्रत्याशी को महज 13,251 वोट अब तक के आंकड़े के मुताबिक 35.26% वोट मिले हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, इनकी जमानत जब्त होती दिख रही है। महज 5.82% वोटों के साथ अब तक 2,189 वोट इनको मिले हैं, जबकि अन्य में पप्पू चौहान 115, मनीष 32, मनोज राणा 52, शिव चरण 43, सुमित 198, अनिल कुमार 47, अमरजीत 74, पन्नेलाल 108, प्रमोद कुमार 77, मोहन कुमार 77, लालधारी यादव 164 और नोटा 300 लोगों ने दबाए हैं। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें तो अन्य सीटों में हम आपको बता दें कि गोरखपुर का हम आपको ले चलते हैं। गोरखपुर में रविकिशन शुक्ला काफी आगे हैं, हमने पहले भी आपको बताया था 1,71,718 वोट अब तक पा चुके हैं, लगभग 60%। रामभुआल निषाद को महज 1,03,000 वोट मिले हैं। देवरिया की बात करें तो देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी भाजपा के प्रत्याशी 57% वोट पाकर 82,093 वोट पाए हैं अब तक, और गठबंधन के विनोद जायसवाल 46,394 वोट पाए हैं। इसके अलावा कुशीनगर, एक बहुत प्रतिष्ठित मुकाबला माना जा रहा था कुशीनगर, यहाँ पर भाजपा आगे है 50,176 वोटों के साथ। सपा बसपा गठबंधन महज 20,000 वोटों पर सिमटता दिखा है अब तक, जो कुल 85,230 वोटों की गणना में, और कुंवर आरपीएन सिंह मात्र 10,303 वोट, यानी कि कुशीनगर में भी जो मुस्लिम्स हैं वो वोटों का बंटवारा हुआ है, कुछ बसपा में गए हैं सपा बसपा गठबंधन में और कुछ कांग्रेस में। अब हम बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की। यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी जो है भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी 70,016 वोट पाए हैं, काफी नजदीकी मुकाबला बना हुआ है प्रवीण निषाद भाजपा का 65,968 वोटों के साथ, महज 1.5% का वोटों का अंतर है। कुशल तिवारी को 43.82% वोट मिले हैं तो भाजपा के प्रवीण निषाद को 41.28 और कांग्रेस के भालचंद्र यादव बहुत पीछे हैं 18,512 वोटों के साथ। अब हम बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में भी काफी नजदीकी मुकाबला बना हुआ है, भाजपा के हरीश द्विवेदी 42,146 वोट पाए हैं, जबकि बसपा के राम प्रसाद चौधरी 40,803 वोट पाए हैं। कांग्रेस के राजकिशोर सिंह की बहुत बुरी दुर्गति है, बहुत 7,097 वोट पाए हैं। इसके अलावा बात करें अब हम आगे और सीटों की, डुमरियागंज में यहाँ पर आफ्ताब आलम बसपा के जो है नंबर 2 पर चल रहे हैं 60,958 वोटों के साथ, जगदम्बिका पाल भाजपा के 74,715 वोट पाए हैं, नंबर 1 पर चल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी 10,279 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अब बात बांसगांव की करते हैं तो बांसगांव में बहुत ही रोचक मुकाबला कहा जाएगा, रोचक क्या एक तरफा आप कह सकते हैं, जो हमारे पास अब तक जो 3,06,926 वोटों की गिनती हुई है उसमें 1,80,060 वोट अकेले भाजपा के कमलेश पासवान पाए हैं, युवा सांसद हैं, हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। अगर यही ट्रेंड अगर परिणाम में बदला तो सदल प्रसाद काफी पीछे हैं, 1,17,761 वोट पाए हैं, 20% मतों का अंतर है, 58% वोट कमलेश पासवान को मिला है तो महज 38% वोट जो है सदल प्रसाद को मिला है। और अब हम आपको बता दें सलेमपुर की बात, तो सलेमपुर में थोड़ा नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है, 37,000 वोटों के साथ बीजेपी आगे है, रविंद्र कुशवाहा उनके पीछे जो है नजदीकी मुकाबले में 31,000 वोट पाकर बसपा गठबंधन बना हुआ है। तो कुल मिला के ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और काफी जो है रोमांचक मुकाबला है। आप पूरे दिन डायनामाइट न्यूज के साथ बने रहिए, डायनामाइट न्यूज पर हम देश भर में फैले अपने रिपोर्टरों की मदद से आपको पल पल की खबर 542 सीटों की देश भर के, यूपी की 500 सीटों, यूपी की 80 सीटों पर और गोरखपुर बस्ती मंडल की 9 सीटों पर, और साथ ही साथ अमेठी, कन्नौज, आजमगढ़, वाराणसी जैसी वीवीआईपी सीटों का सबसे पहले ट्रेंड और परिणाम आपको हम बताएंगे। आप डायनामाइट न्यूज पर हमारे फेसबुक पेज पर,
गूगल प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, आप अपने गूगल क्रोम में जाइए, गूगल पे और DN हिंदी टाइप कर लीजिए या डायनामाइट न्यूज टाइप कर लीजिए, सीधे हमारी वेबसाइट पे पहुंचिए और हमारी IT टीम, हमारी एडिटोरियल टीम लगातार बनी हुई है आपको अपडेट करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज टिबड़ेवाला, आकाश, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली।